खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात नवी मुंबई की कर लेते हैं, जहां एक रईसजादे ने ऐसा कारनामा किया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी। यहां के कमोठे इलाके में कल शाम 7 बजे के करीब एक बिगड़ैल ने अपनी स्कॉडा कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ाई और भरे बाजार में ये कार उसने दौड़ाई। नतीजा कार बेकाबू हुई और सामने आने वाले लोगों को रौंदते हुए, गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकल गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। इस भयानक हादसे में 2 लोगों ने दो मौके पर ही दम तोड़ दिया। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। जितेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर, क्या कोई गिरफ्तारी? देखिए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया है, स्कोडा कार को, जिससे कि ये हादसा हुआ था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है पुलिस से, उसके मुताबिक हादसे के बाद जो कार का ड्राइवर था वो मौके से भाग निकला कार लेकर, और आगे जाके उसने कार एक जगह पर छोड़ दी और फिर वहां से निकल भागा। पुलिस ने, नवी मुंबई पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं, अंदाजा आ जाएगा कि कितना भीषण ये हादसा रहा है। एक भीड़ भरा इलाका था, शाम के करीब 7 बजे का वक्त था जब ये हादसा हुआ। लोग वहां पर वाहनों से गुजर रहे थे, लोग पैदल गुजर रहे थे, और उसी दौरान ये कार तेज रफ्तार से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही थी और ये हादसा। ठीक है जितेंद्र, अब जब कार बरामद हो ही गई है तो ओनरशिप भी जल्दी ही पुलिस पता लगेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।